लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी मोहिनी दुबे हत्याकांड का खुलासा होने बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मोहिनी दुबे की हत्या उनके ड्राइवर ने की थी। इसमें ड्राइवर अखिलेश, उसका भाई रवि और एक साथी भी शामिल था। पुलिस ने ड्राइवर, उसके भाई और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश को मुठभेड़ में गोली भी लगी है, तो वहीं गाजीपुर थाने का हेड कांस्टेबल भोनिया मुठभेड़ में घायल हो गया। बता दें कि आरोपी पहले मोहिनी के यहाँ काम करता था। 13 साल पहले मोहिनी की मां का निधन हुआ, तो वो ड्राइवर की नौकरी करने रिटायर्ड आईएएस के यहाँ आ गया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि लूट की नीयत से मोहिनी दुबे की हत्या हुई थी। आरोपियों की प्लानिंग थी कि वो घर में रखे जेवर और कैश चोरी करेंगे, लेकिन आखिर में उन्हें मोहिनी ने देख लिया और पकड़े जाने के डर से उन्होंने मोहिनी की गला दबाकर हत्या कर दी। थाना गाजीपुर में कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर पे उनका पत्नी का हत्या और साथ साथ लूट हुआ था। इस संबंध में थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 221/24 अंतर्गत धारा 302/394 पंजीकृत किया गया था। उसमें सफल अनावरण करते हुए थाना गाजीपुर द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और एवं पूछताछ पे जो मुख्य आरोपी अखिलेश द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने कुछ ज्वेलरी, कुछ और अन्य चीजें जो है एक बैग में डाल के इधर उतरेल नदी का रिवर बेड में झाड़ियों में छुपा के रखा है। तो उसको रिकवर करते हुए करने के लिए पुलिस टीम मौके पे आया था। फिर उनका बिना उनका जानकारी उसके अंदर अखिलेश ने बैग के अंदर अखिलेश ने एक तमंचा छुपा के रखा था। उस मौके पर के उन्होंने वो तमंचा निकाल के पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग किया है। इस घटना में एक हेड कांस्टेबल बालकुश वो थाना गाजीपुर के, उनको भी चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। सीखे हुए तरीके से अपना जान बचाने के लिए जो पुलिस फोर्स मौजूद था उन्होंने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें से अखिलेश को भी चोट लगी है, उनको भी इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी फॉरेंसिक टीम द्वारा जो बैग बरामद किया गया है और एवं क्राइम सीन का निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई किया जाए।